दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, टाइम टेबल जारी किया जा चुका है ओपन स्कूल का, उसे मैं पूरा बताऊंगा कैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, यहां पर सीधे सीधे उस साइट को बताऊंगा मैं और आप उसे देखेंगे कैसे डाउनलोड करना है, कौन से दिन किस विषय का पेपर लिया जाएगा, यह भी जानकारी दूंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गूगल में मुझे टाइप करना होगा एमपी ओपन स्कूल, और जैसे ही मैं एमपी ओपन स्कूल टाइप करता हूं, इंटर करता हूं, पहली लिंक आती है mpsos.nic.in। पहली लिंक जो आई हुई है, इस लिंक पर मुझे यहाँ पर देखिए क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख रहे हैं मैं अगली जो होम पेज है हमारा मध्य प्रदेश राजमुक्त स्कूल का, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। मध्य प्रदेश राजमुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल, पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल था नाम, और मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर टाइम टेबल जारी किया गया है। टाइम टेबल आप कहाँ से देख सकते हैं, तो जब नीचे आएंगे आप तो टाइम टेबल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगली टैब पर जाकर आप टाइम टेबल देख सकते हैं, या फिर आप इसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद में देखिए टाइम टेबल ओपन स्कूल एग्जाम अगस्त 2021 न्यू लिखा हुआ है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप टाइम टेबल पर चले जाएंगे और वहां पे टाइम टेबल आपको दिखाई देगा। अब यह न्यू आदेश है, अपडेट किया गया है। अब मैं आपको टाइम टेबल पर ले चलता हूं सीधे डाउनलोड करके, और मैंने डाउनलोड किया यहां पर और ओपन होता है ये टाइम टेबल, और टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल का टाइम टेबल ये अगस्त 2021 की समय सारणी है। यहाँ पर कक्षा 10वीं की बात करूँगा मैं, और 10वीं 12वीं यानी हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परंपरागत के साथ भी मैं बात करूँगा। और यहाँ पर देखिए टाइम टेबल इस प्रकार है, पहला पेपर जो लिया जाएगा 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार के दिन यहाँ पे पेपर पहला होगा, जो होगा कक्षा 10वीं के लिए, और कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल का पेपर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगा, और 12वीं कक्षा का जो पेपर लिया जाएगा वो 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर सोमवार 16 को 10वीं में गणित का यहाँ पे पेपर लिया जाएगा, और कक्षा 12वीं में अंग्रेजी विषय का पेपर यहाँ रखा गया है। इसी प्रकार आप देखिए 17-8-2021 की बात करूँगा, दिन मंगलवार रहेगा, विज्ञान का पेपर 10वीं का होगा, और कक्षा 12वीं में गृह विज्ञान का यहाँ पर पेपर लिया जाएगा। यदि 18 अगस्त 2021 को बुधवार को आपने पेपर लिया है गृह विज्ञान का, कक्षा 10वीं में विषय लिया है तो पेपर होगा, और 12वीं में कटिंग टेलरिंग एंड ड्रेस मटेरियल अशुलिपि कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग एंड मेंटेनेंस का पेपर यहाँ पर लिया जाएगा 18 को। इसी प्रकार 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं का होगा, और कक्षा 12वीं में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा। अब देखिए हम इसके बाद में बात करेंगे 21 की, और 21 अगस्त को शनिवार रहेगा, और इस दिन हिंदी का पेपर होगा और अर्थशास्त्र विषय का पेपर कक्षा 12वीं का होगा। इसी प्रकार 23 अगस्त 2021 सोमवार के दिन अंग्रेजी का पहला पेपर लिया जाएगा, और भौतिक शास्त्र व्यवसाय अध्ययन का कक्षा 12वीं का पेपर होगा। अब देखिए 24 अगस्त 2021 मंगलवार को 10वीं में अर्थशास्त्र का पेपर लिया जाएगा, और 12वीं में इतिहास का पेपर होगा। इसी प्रकार बुधवार 25 अगस्त को संस्कृत का पेपर 10वीं का होगा, और जीव विज्ञान या लेखांकन यानी अकाउंटेंसी का पेपर 12वीं का होगा। 26 अगस्त 2021 की बात करेंगे, दिन गुरुवार मराठी का पेपर जो विषय लिया है, और राजनीति का पेपर रखा गया है। इसी प्रकार 27 अगस्त शुक्रवार के दिन आपको व्यवसाय अध्ययन का पेपर यहाँ पे व्यवसायिक अध्ययन जिसे कहते हैं उसका पेपर है 10वीं का, और 12वीं में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होगा। 28 अगस्त शनिवार को उर्दू का पेपर रखा गया है यहाँ पर, और भूगोल का पेपर कक्षा 12वीं का होगा।
31 अगस्त 2021 मंगलवार को 10वीं का पेपर नहीं रहेगा, 12वीं का रहेगा गणित का, उद्यमिता रोजगार कौशल का पेपर होगा, केवल आईटीआई के विद्यार्थी जिन्होंने लिया है उनका ही पेपर रहेगा। और यदि हम 1/9/2021 दिन बुधवार की बात करें तो 10वीं का पेपर नहीं रहेगा, 10वीं के पेपर 28 तारीख को लास्ट पेपर रहेगा, लेकिन 12वीं का 1 सितंबर को संस्कृत का पेपर लिया जाएगा। इस प्रकार ये समय सारणी पूरी आपके सामने हमने बताया। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम इस परीक्षा में 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सामान्य योजना के अभ्यर्थी की बात करेंगे, छात्रों की के तहत संपूर्ण परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले नए विद्यार्थी एवं अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 21 तक आवेदन करने वाले क्रेडिट एवं शेष अन्य योजना के विद्यार्थी ही शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा पूर्व परीक्षा में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण रहे हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएगी। जहाँ पे परीक्षा केंद्र मिलेगा वहीं पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। तिथि एवं समय ज्ञात करने के लिए संबंधित केंद्र के केंद्राध्यक्ष से परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी सतत संपर्क बनाए रखेंगे। आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि एवं समय परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी सूचना मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल की वेबसाइट www.mpsos.nic.in, मोबाइल ऐप MPSOS पर परीक्षा केंद्र तथा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय बोर्ड परीक्षा के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थी को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र दिखाने पर ही परीक्षा केंद्र में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखना पूरी जानकारी। और वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रवेश पत्र दिखाने पर सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। द्वितीयम से नवम अवसर के परीक्षार्थी के अनुक्रमांक पूर्ववत ही रहेंगे, पहले जो अनुक्रमांक थे वही अनुक्रमांक अभी भी रहेंगे। प्रवेश पत्र में यदि त्रुटि है तो त्रुटि पर लाल गोला बनाते हुए सही जानकारी अंकित कर केंद्राध्यक्ष के माध्यम से mpsos@rediffmail.com पर मेल करें। त्रुटि सुधार हेतु केंद्राध्यक्ष आवश्यक मूल दस्तावेज तथा पूर्व वर्ष की अंकसूची आदि की जाँच कर लें। आपके द्वारा त्रुटि में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो सुधार नहीं कराए जाने पर अंकसूची भी त्रुटि युक्त होगी, जिसमें सुधार बाद की संभावना नहीं होगी, अतः तत्काल त्रुटि सुधार कराएं। यह पूरी जानकारी यहां पर आपको उप संचालक राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई है। तो ये पूरी जानकारी थी हमने जो आपको बताया। आपको जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।